अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो खुदावंद का शुक्र है फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फैमिली में भी सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। बस जी कुछ मसरूफियात थी, उस वजह से मैं काफ़ी दिनों से बिज़ी थी, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। और ये है 2 से 3 दिन पहले की वीडियो, तो सोचा चलें वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। वीडियो तो मैं बना रही थी, बस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि वॉइस ओवर करने वाला था, तो इस वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँ और वीडियो अपलोड करूँ। तो सोचा चलें आज वीडियो जो है अपलोड कर देती हूँ छोटी सी। और ये वीडियो अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी करेले और कीमे की। और यहाँ पे देखिए जी, मैं करेले अच्छे से कटिंग कर चुकी थी, इनको नमक लगा के रखा हुआ था, उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद खूब सारा तेल लेके उसके बाद मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई कर लूँगी। पहले मैं करेलों को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ ही देखें जी मैं 1/2 किलो तकरीबन प्याज है उनको मैं इस तरीके से स्लाइसेस में काट रही हूँ। और दूसरे वाले जो करेले हैं वो मेरे फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद जो है ये वाले जो करेले का छिलका है इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ये मैं नहीं फेंकती, इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, इसी से मसाला बनता है। यहाँ पर देखें जी, करेले मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, अभी मसाला जो ऊपर का जो इसका छिलका होता है वो मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको भी अच्छा सा गोल्डन कलर देती हूँ। उसके बाद मैं इसी ऑयल में मसाला बना लेती हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें जी, करेले पूरी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पे टमाटर और प्याज, चिकन का कीमा तकरीबन 1/2 किलो है यहाँ पे लिया मैंने, और यहाँ पे 1 पाव के करीब टमाटर थे। यहाँ पे ड्राई मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक थोड़ा सा, बस यही सिंपल से मसाले जाएंगे इसमें। प्याज़ों को करते हैं गोल्डन ब्राउन। और यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटर। प्याज हो गई अच्छे से गोल्डन ब्राउन और उसमें डालते हैं सारे ड्राई मसाले और ये वाले मसाले सारे, अदरक लहसुन टमाटर डाल के इनको अच्छे से भुनाई करती हैं। साथ ही मैंने भुनाई करके कीमा डाल दिया था, और यहाँ पर देखिए कीमा भी अच्छे से भुनाई कीमे की भी हो चुकी है। अभी साथ ही मैं इसके करेले डाल दूँगी और करेले डाल के हल्की आंच पे दम रख दूँगी और मज़ेदार सा जो साला है करेले और कीमा है वो जो मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा, और ये बहुत मज़े का बना था। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा। ओके जी, बाय बाय, खुदा हाफिज़।